Question number 12. Question number 12 is, sorry, 11. Question number 11 is, at the end of the year 2016, the population of village Kovad, Barud, Chikling is, देखो कोवड है, कोवड है, K O V A D, कोवड है, कोविड नहीं है, कोवड, वरुण, चिकली is 5x² minus 3y² 7y² plus 2xy and 9x² plus 4xy respectively. At the beginning of the year 2017, x² plus xy minus y² 5xy and 3x² plus xy persons from each of the three villages respectively went to another village for education. Then what is the remaining total population of these three villages? क्या है? तीन villages हैं, कोवड, बारुड एंड चिकली, जिसका population है, कोवड का कितना है? 5x² minus 3y², बारुड का है 7y² plus 2xy and चिकली का है 9x² plus 4xy. Okay? तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, उसके बाद कुछ लोग जो है, ये 2016 का है और 2017 के स्टार्टिंग में कुछ लोग गांव को छोड़कर चले गए एजुकेशन के लिए, कुछ लोग गांव को छोड़कर एजुकेशन के चले गए, तो फिर गांव में कितने लोग बचे हम लोग को ढूंढना है. सिंपल है, क्या करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे 2016 में कितने थे, उसमें जो गांव को छोड़कर चले गए उनकी टोटल निकालेंगे वो कितने हैं, और ये जो पहला नंबर टोटल है उसमें से सेकेंड टोटल हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. से द पॉपुलेशन ऑफ विलेज कोवड 5x² माइनस 3y² पर्सन, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वरुण 7y² प्लस 2xy पर्सन, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज चिकली 9x² प्लस 4xy पर्सन. टोटल पॉपुलेशन ऑफ थ्री विलेज, टोटल पॉपुलेशन ऑफ थ्री विलेज, तीनों को प्लस किया 5x² माइनस 3y² प्लस 7y² प्लस 2xy प्लस 9x² प्लस 4xy. एडिंग करना होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा. ब्रैकेट ओपन करने के बाद एज इट इज नंबर आएंगे, बस ब्रैकेट में एज इज नंबर आएंगे. जैसे 5x² माइनस 3y² प्लस 7y² प्लस 2xy प्लस 9x² प्लस 4xy, राइट. फिर लाइक टर्म साथ में रखें, 5x² प्लस 9x² प्लस 4y² प्लस 2xy प्लस 4xy. 5x² प्लस 9x² 14x² प्लस 4y² एज इट इज 2xy प्लस 4xy 6xy प्लस 6. ये क्या है, टोटल 2016 के टोटल लोग हैं. अब देखो नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू अनदर विलेज, नंबर ऑफ पर्सन गोइंग टू अनदर विलेज, x² प्लस xy माइनस y² प्लस 5xy प्लस 3x² प्लस xy. अगेन ब्रैकेट ओपन किए, नंबर एज इट इज x² प्लस xy माइनस y² प्लस 5xy प्लस 3x² प्लस xy. x² प्लस 3x लाइक टर्म्स आर टुगेदर, xy प्लस 5xy प्लस xy माइनस y² नाउ x² प्लस 3x² इट इज 4x² प्लस x² प्लस 5xy 6xy प्लस 1xy 7xy माइनस y² पर्सन. ओके, सो 4xy प्लस 7xy माइनस y² पर्संस आर वेंट टू अनदर विलेज फॉर एजुकेशन, राइट. नाउ व्हाट टू डू, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर. दिस इज द टोटल ऑफ, ओके, टोटल ऑफ 2016 and this is the total of person who live villages. Okay, so remaining population in three village, how we can find total minus this one, the people who remove village, so they live village. 14x² plus 4y² plus 6xy minus 4x² plus 7xy minus y² okay. अब यहाँ पे first bracket as it is minus. अब ये ब्रैकेट जब लिखेंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो गया. ओके, नाउ पुट लाइक टर्म्स टुगेदर, 14x² माइनस 4x² प्लस 4y² प्लस y² प्लस 6xy माइनस 7xy. 14x² माइनस 4x² 10x² प्लस 4y² प्लस y² 5y² माइनस 6xy माइनस 7xy माइनस xy. So remaining population is 10x² plus 5y² minus xy. As we may write down.
ओके क्वेश्चन नंबर 12 इज पॉलीनोमियल्स बी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस फाइव एंड बी एक्स क्यूब सॉरी बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव एंड बी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फाइव आर डिवाइडेड बाय पॉलीनोमियल एक्स माइनस थ्री. क्या देखो दो पॉलीनोमियल है बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव एंड बी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फाइव. दो पॉलीनोमियल है उसमें डिवाइजर क्या है एक्स माइनस थ्री. डिवाइजर क्या है एक्स माइनस थ्री उसकी रिमाइंडर है एम एन एन एम एन एन उसकी क्या है रिमाइंडर है एंड एम माइनस एन इज इक्वल टू जीरो. देखो सबसे पहले क्या बताया दो पॉलीनोमियल दिए उसका डिवाइजर दिया है ओके उसका रिमाइंडर भी दिया है एम और एन लेकिन एम और एन को माइनस करने पर आंसर क्या आएगा जीरो. एम माइनस एन इज इक्वल टू जीरो. तो हमें फाइंड करना है बी की वैल्यू फाइंड करनी है जो बी है इस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ओके उसके वैल्यू क्या होगी. सी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव एंड q ऑफ x इज इक्वल टू बी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फाइव. दो अलग अलग है पॉलीनोमियल इसलिए अलग अलग दिया q ऑफ x है q ऑफ x. नाउ डिवाइजर क्या है x माइनस थ्री. देयरफॉर x इज इक्वल टू थ्री राइट एंड रिमाइंडर्स ऑफ p ऑफ 3 इज इक्वल टू m एंड q ऑफ 3 इज इक्वल टू n. डिवाइजर क्या x माइनस थ्री ना तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू m एंड q ऑफ n इज इक्वल टू n. नाउ p ऑफ 3 P of 3 is equal to B x square plus x plus 5. What? B x square plus x square plus x plus 5. So B into 3 square plus 3 plus 5. 3. 3 का square क्या है? 9. So B into 9. 9 B plus 8. क्या है? 9 B plus 8. Equation number 1. Okay. अब इसमें क्या देखो? Q of x is equal to B x cube minus 2 x plus 5. So, यहाँ पे b of 3 आएगा सॉरी q of 3 q of 3 क्या आएगा b x cube minus 2 x plus 5. So, b 3 cube minus 2 into 3 plus 5. 3 का cube क्या है 27 27 to b 27 b minus 2 3 का 6 plus 5. Answer is 27 b minus 1. Answer क्या है 27b minus 1. So m is equal to 9b plus 8 and n is equal to 27b minus 1. 9b plus 8 and n is equal to 27b minus 1. Now लेकिन m minus n क्या है 0 है. m minus n is equal to 0 it is given. So 9b plus 8 minus 27b minus 1 is equal to 0. 9b plus 8 minus 27b minus 1 is equal to 0. So 9b plus 8 minus 27b plus 1 is equal to 0. 9b minus 27b minus 18b plus 8 plus 1 9 is equal to 0. माइनस 18 इज इक्वल टू यहाँ का प्लस 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यहाँ का प्लस 9 यहाँ पे क्या हो गया माइनस. सो माइनस 18 बी इज इक्वल टू माइनस 9. सो बी इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन माइनस 18. माइनस 9 अपॉन माइनस 18 दोनों माइनस नेगेटिव है सो आंसर विल बी पॉजिटिव. देन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. आया समझ में? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज सिंप्लीफाई. क्या है इसको सिंप्लीफाई करना है. क्या दिया है 8m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6 माइनस 9m माइनस 7 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4. ओके ब्रैकेट ओपन करो 8m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6 माइनस 9m प्लस 7 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4. अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म साथ में रखो के लाइक टर्म साथ में रखे 8m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 9m माइनस 2m के माइनस 6 प्लस 7 प्लस 4 8m स्क्वायर प्लस 3m
माइनस 9m माइनस 2m माइनस 6 प्लस 7 प्लस 4 8m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर 11m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 2m माइनस 11 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 4 सॉरी प्लस 7 प्लस 4 7 प्लस 4 11 11 माइनस 6 5 आया सुनने कैसे किया देखो पहले इन दोनों को प्लस किया 11m स्क्वायर फिर इन दोनों को पहले प्लस किया माइनस 7 आया माइनस 7 में से 3 ऐड किया तो माइनस 8 आया फिर 7 प्लस 4 11 माइनस 6 5 देन फाइनल आंसर इज 11m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 5 क्लियर राइट अप